मान लीजिए आपको किसी ऊंची दीवार के दूसरी तरफ देखना है। इसके लिए एक उपाय तो ये है कि दीवार के पास सीढ़ी लगा लें। पर अगर आप किसी से छिपने के लिए दीवार के पीछे बैठे हैं और तब सीढ़ी लगाकर देखेंगे तो आपका सर भी उधर वाले इंसान को दिख जाएगा। तो कुछ और उपाय करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी जो हमें नीचे से ही ऊपर का नजारा दिखा दे, और इसी चीज का आविष्कार 1854 में फ्रांस के मैरी डेवी ने किया था। डेवी ने दो शीशे लिए और उन्हें 45 डिग्री पर एक पाइप में इस तरह से रखा। इस पाइप को उन्होंने एक पनडुब्बी में लगा दिया। अब इसका इस्तेमाल करके वो पानी के नीचे रहते हुए भी बाहर की चीजों को देख सकते थे। इससे पनडुब्बियों को जैसे आंखें मिल गई। इस सरल से उपकरण का नाम पेरिस्कोप है और एक खास तौर पर सैनिकों का बहुत ही मददगार साथी रहा। पुराने समय में युद्ध के दौरान पेरिस्कोप का इस्तेमाल काफी किया जाता था। सैनिक अक्सर जमीन में गड्ढे बनाकर उनसे बंदूक चलाते थे। गोली चलाने के लिए उन्हें गड्ढे से बाहर निकलकर देखना पड़ता था और इससे सर पर गोली लगने का खतरा रहता था। गड्ढे में रहकर ही बाहर की चीजें देखने में पेरिस्कोप बहुत ही मददगार साबित हुआ। इसके बाद पेरिस्कोप राइफल का आविष्कार हुआ, जिसमें राइफल पर ही पेरिस्कोप लगा दिया गया। इसकी मदद से सैनिक गड्ढे में रहकर ही गोली चला सकता था और इसको आप खुद भी बना सकते हैं। इसका टेम्पलेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेम्पलेट को हम इन लाइंस के अनुसार फोल्ड करते जाएंगे। दो छोटे शीशे इस तरह से डालेंगे कि उनके चमकने वाले सरफेस एक दूसरे की ओर हों। आपका पेरिस्कोप तैयार है। इससे आप दीवार के नीचे खड़े खड़े ही दूसरी ओर की चीजें देख सकते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि इस खिड़की से देखने पर, जो कि आगे से बंद है, फिर भी हमें चीजें कैसे दिख पाती हैं। इसके लिए हम ये ट्रांसपेरेंट शीट से बना हुआ पेरिस्कोप लेते हैं और इस छेद से अगरबत्ती का धुआं अंदर डालेंगे ताकि लेजर का पाथ अच्छे से दिख पाए। हम देख सकते हैं कि लाइट ऊपर वाले मिरर से टकराने के बाद नीचे आती है और फिर नीचे वाले मिरर से टकराने के बाद हमारी आंखों में आती है। इस तरह हम यहां की चीज को यहां देख पाते हैं। इस पेरिस्कोप की अच्छी बात यह है कि ये चीजों को जैसी है वैसे ही दिखाता है। दाएं को बाएं, ऊपर को नीचे, ऐसा कुछ नहीं करता। अगर मैं इन अल्फाबेट्स को इस पेरिस्कोप से देखूं तो ये मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं। इसे समझने के लिए हम दो अलग रंगों की लेजर का इस्तेमाल करेंगे। पहले दाएं बाएं देखते हैं। हरे रंग की लेजर बाएं ओर है और लाल रंग की लेजर दाईं ओर। पहले और दूसरे मिरर से टकराने के बाद हरी लेजर बाईं ओर ही रहती है और लाल लेजर दाईं ओर रहती है। इसलिए हमें वस्तु का दायां भाग दाईं ओर और बायां भाग बाईं ओर ही दिखता है। अब ऊपर नीचे देखते हैं। लाल लेजर ऊपर है और हरी लेजर नीचे। दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद भी हम देख सकते हैं कि लाल लेजर ऊपर ही है और हरी लेजर नीचे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वस्तु ऊपर नीचे भी वैसे ही दिखती है। अभी तक जो हमने पेरिस्कोप देखा उसमें मिरर का इस्तेमाल किया गया था। इसका फायदा यह है कि आप आसानी से सस्ता और हल्का पेरिस्कोप बना सकते हो, लेकिन पतले मिरर कई बार मुड़ जाते हैं, फिर उनसे साफ नहीं दिखाई देता। इसलिए पेरिस्कोप बनाने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। ज्यादातर हम प्रिज्म का इस्तेमाल व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में डिवाइड करने के लिए करते हैं, लेकिन प्रिज्म का इस्तेमाल बहुत सी जगह मिरर की तरह भी किया जाता है। प्रिज्म वाले पेरिस्कोप का आविष्कार 1860 में अमेरिका के इंजीनियर थॉमस डाउटी ने किया था। वो एक नदी पर युद्ध करने वाले जहाज पर थे और पेरिस्कोप का इस्तेमाल उन्होंने नदी के ऊंचे किनारे से आ रहे दुश्मन सैनिकों को देखने के लिए किया था। पेरिस्कोप में लगने वाले प्रिज्म 90-45-45 प्रिज्म होते हैं, इसलिए हम इसे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अगर प्रिज्म की इस साइड से हम 90 डिग्री पर लेजर चमकाएंगे, आप देख सकते हैं कि लेजर इस साइड से बाहर नहीं आ रही बल्कि मुड़कर इस तरफ चली गई, यानी ये साइड पारदर्शी होते हुए भी मिरर की तरह काम कर रही है और इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। TIR होने के लिए दो शर्तें होती हैं। पहली ये कि लाइट ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही हो। ये कि दोनों मीडियम की बाउंड्री पर लाइट जिस एंगल पर पड़ रही है
वो उन दोनों मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। प्रिज्म की इस साइड पर TIR होने के लिए पहली शर्त तो लागू हो ही रही है। इस तरफ एक्रेलिक है और दूसरी तरफ हवा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्रेलिक से कम है। अब दूसरी शर्त देखते हैं। एक्रेलिक और हवा के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। अगर इस साइड में लेजर 90 डिग्री पर पड़ रही है तो इस साइड पर वो 45 डिग्री पर पड़ेगी, जो कि 42 डिग्री से ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर TIR हो पाता है। अब अगर हम यहाँ पर एक और प्रिज्म रख दें तो उसमें भी ऐसे ही TIR होगा और हमारे ये दो प्रिज्म मिलकर पेरिस्कोप की तरह काम करेंगे। पेरिस्कोप पनडुब्बियों, टैंकों और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले पेरिस्कोप सिर्फ दो शीशे या प्रिज्म के नहीं बने होते, वो काफी लंबे भी होते हैं और उनमें बहुत सारे लेंस और प्रिज्म को लगाया जाता है ताकि हमें वस्तु बड़ी दिखाई दे। जैसे तमिलनाडु के कल्पक्कम शहर में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें 10 मीटर लंबा पेरिस्कोप लगा हुआ है। पनडुब्बी में पेरिस्कोप से अलग अलग दिशा में देखने के लिए पूरे के पूरे पेरिस्कोप को ही घुमाया जाता है और देखने वाला सैनिक भी उसके साथ साथ घूमता रहता है। इस तरीके से पेरिस्कोप और आदमी का घूमना काफी जगह घेरता है। पनडुब्बी में पहले से ही जगह की काफी कमी रहती है तो फिर पेरिस्कोप को इस तरह से क्यों नहीं डिजाइन किया जाता कि नीचे का हिस्सा फिक्स कर दें और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को किसी मोटर की सहायता से चारों तरफ घुमा दिया जाए। ये पता करने के लिए हमने एक पेरिस्कोप बनाया है जिसमें ये दोनों हिस्से अलग हैं और इनको हमने बीच में एक सिलेंडर से जोड़ दिया है ताकि हम ये ऊपर वाले हिस्से को आराम से घुमा सके। अब अगर इस पेरिस्कोप से मैं देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? सामने देखने पर तो इसमें सही दिख रहा है लेकिन घुमाते ही कुछ अजीब सा दिखने लगता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम ये ऊपर वाली खिड़की पर एरो चिपका देते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर नीचे के हिस्से को फिक्स कर दिया जाए और ऊपर वाले हिस्से को घुमाया जाए तो इस पोजीशन में तो चीजें सीधी दिखेंगी, इस पोजीशन में आड़ी, और जैसे ये हिस्सा घूमकर पीछे की तरफ आएगा यहां चीजें उल्टी दिखने लगती हैं। अगर पनडुब्बी या टैंक के पेरिस्कोप को इस तरीके का बनाया जाता तो हमें खास तौर पर पीछे की चीजें देखने में बहुत परेशानी होती क्योंकि हमें चीजें उल्टी दिखाई देती। ऐसा ना हो इसके लिए पूरे के पूरे पेरिस्कोप को ही घुमाया जाता है। पनडुब्बी के केस में तो पेरिस्कोप को पूरा घुमाकर हम इस उल्टे सीधे कार्यक्रम से बच जाते हैं, पर टैंक के अंदर तो इतनी जगह नहीं होती कि पेरिस्कोप को पूरा घुमाया जा सके और टैंक के अंदर बैठे सैनिक को भी आगे और पीछे दोनों तरफ देखना होता है। तो पेरिस्कोप से टैंक के पीछे का सीन कैसे देखा जाए, इस जरूरत को पूरा करने के लिए 1936 में पोलैंड के इंजीनियर रुडोल्फ गुंडलाक ने पेरिस्कोप में प्रिज्म जोड़ दिया ताकि एक तरफ बैठे ही सैनिक टैंक के पीछे की चीज को देख ले। जब टैंक के सामने की ओर का दृश्य देखना होता था तो पेरिस्कोप को आम तरीके से इस्तेमाल करते थे और प्रिज्म ऊपर ही रहता था, और जब पीछे देखना होता था तब सैनिक इस प्रिज्म को नीचे खिसका देता था। इस पेरिस्कोप का टैंकों में बहुत इस्तेमाल किया गया, हालांकि आज की आधुनिक पनडुब्बियों में अब पेरिस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी जगह कैमरे का यूज किया जाता है और जिससे कंप्यूटर की स्क्रीन पर बाहर के दृश्य को देखा जाता है। और कोई नॉर्मल कैमरे नहीं लगाए जाते, ऐसे कैमरे लगाए जाते हैं जिनसे रात में भी दिखता है और इन्हें फोटोनिक मास्ट कहते हैं। तो इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल भले ही आजकल नहीं किया जा रहा हो लेकिन इसकी साइंस और इसकी हिस्ट्री आज भी उतनी रोचक है, तो आप इसको जरूर बनाए। थैंक यू। पूरी लाइन ही बोल दो, वहां से अपने आप काट। ओके गुड, क्योंकि हमें चीजें, अरे यार हमें चीजें उल्टी दिखती हैं। हां डाउट, पता नहीं लाइन बोल उसको उल्टी अजीब सा, मतलब कोई अलग आकृति थोड़ी बन जाती है भूत जैसी। तो भले ही पेरिस्कोप का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता, नहीं क्या कैसे बोलो उसको, ऐसे ही नहीं किया जाता हो, हो गया। तो आवाज काट देना। थोड़ा थोड़े टेढ़े लगे, मजा।